आज मैं तुमसे अपनी शिकस्त का बदला लूंगी और जरूरत पड़ी तो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगी। अमृता के खिलाफ लड़ रही थी, मगर कौन लाया इसे? जरूर जरूर ये किसी ना किसी शक्तिशाली इंसान का काम है। मुझे इसे अमृता के रास्ते से हटाना होगा। एक बार फिर वो नागिन मेरे हाथ से बचकर निकल गई। मैं तांत्रिक बाबा को क्या जवाब दूंगी? कितना सुनहरा मौका मैंने खो दिया। बंद कर दे मेरा पीछा करना, मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। लानत है तुझ पर, एक इच्छाधारी नागिन होकर भी तू मेरे खिलाफ एक इंसान की मदद कर रही है। जा जा जाकर कह दे उस तांत्रिक से कि उसकी सारी कोशिशें बेकार है, वो मुझ तक कभी पहुंच नहीं पाएगा, कभी नहीं। तांत्रिक बाबा तक तो तुझे मैं पहुंचाऊंगी, वो भी आज। कनक कहाँ है? कनक, 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 अमिताभ। नागराज की बेटी हूँ मैं, मुझसे एक बार हार कर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। याद रख, एक बार तेरी जान बख्श दी थी मैंने, फिर से अगर तू मेरे रास्ते में आई तुझे मौत मिलेगी, सिर्फ मौत। अमिता, अमिता, अरे बेटा कहाँ चले गए थे आप? चलो चलो, हम तो कब से यहाँ पे खेल रहे थे। अच्छा चलो चलो, यहाँ से, यहाँ पे सांप है। चलो कनक, प्रणाम पापा। तेरी आंखों में आज फिर हमें हार नजर आ रही है, पता क्या बात है? कहीं उस नागिन ने फिर से तुझे? नहीं बाबा, कनक उस नागिन से हार जाए ये हो नहीं सकता, लेकिन हाँ आज मैंने एक मौका फिर से खो दिया है। तूने ये मौका गवाकर अपनी हार को सिद्ध कर दिया है। देखो देखो हमारे हमारे चेहरे पर ये निशान, देखो ये सिर्फ निशान नहीं है, ये एक घाव है, एक ऐसा घाव जो हमारी हमारी अंतरात्मा को झंझोड़ता है, झंझोड़ता है। बाबा, पाप के दर्द की एक एक टीस की कीमत उस नागिन को चुकानी ही पड़ेगी। एक ना एक दिन मैं उस नागिन को आपके कदमों में पटक दूंगी। संभवतः तू ये कर पाएगी कनक, परंतु अब ये लड़ाई केवल मनी प्राप्त करने की नहीं है, अब ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है, आत्मसम्मान की। नागिन, तू चाहे आकाश में छुपे या पाताल में, मेरा नाथ मेरा फन कुचल कर रहेगा।
से जहरीले किस्म की नाक का जहर है मलकिन। गलती से किसी की जुबान पर एक बूंद भी आ गया ना तो जिंदा बच नहीं पाएगा। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब तुम जाओ। अब कैसे बचोगी मेरी लाडो? तुम्हारा इस लोक से परलोक जाने का वक्त आ गया है सरोज बेटी। आप कौन के लड्डू बना रही है ना? हलवा? अरे जल तो नहीं गया कहीं? बढ़िया कहीं देख ना ले। मैं ये हलवा और लड्डू सरोज को खिला कर आती हूँ। जी 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 साहब। तेज से तो बच गई सरोज, पर सांप के इस तेज जहर से कैसे बचेगी? ताजी ताजे लड्डू में सांप का ताजा ताजा जहर। इल्जाम आएगा भी तो जी जी साहब पर आएगा। बड़ी शैतान हूँ मैं भी। सरोज बेटा ये लो ये लड्डू और ये हलवा खा लो। सांप का जहर? इस घर में कहीं ना कहीं सांप का जहर है। ये गोंद के लड्डू है ना आपको रोज खाने हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ये कहाँ से आ गई? क्यों आ गई? नहीं नहीं ये लड्डू माँ के लिए है, आपके लिए हम दूसरे लड्डू बना देंगे। नहीं मुझे यही चाहिए। ये गोंद के लड्डू हैं, दांतों में चिपक जाएंगे, इसमें दवाई है ना इसलिए माँ खा रही है। हम आपके लिए अच्छे से बेसन वाले लड्डू बना देंगे, ठीक है? नहीं मुझे यही लड्डू खाना है। अमृता बेटा रहने दीजिए बुआ साहब, जब दांत में चिपकेगा ना तो खुद ही छोड़ देंगे। लीजिए आप दूसरा लड्डू ले लीजिए। सुनिए इन दोनों लड्डुओं में से जहर किस लड्डू में मिला है आपने? दोनों एक से ही तो है। मैं ये लूं। अब अरे कमाल करती है आप, किस लड्डू में आपने जहर मिला ये भी आप नहीं पहचानती? अब ये झंडा गाड़ती क्या कि किसमें जहर मिला है? अमृता आपको लड्डू अच्छा लग रहा है? बहुत स्वादिष्ट है, मन कर रहा है कि बस खाते ही जाऊं। आप खाएंगे? नहीं नहीं खाइए तो। अरे नहीं नहीं अरे थोड़ा सा तो खाइए। नहीं ना मेरे दांत में चिपक जाएंगे, नहीं खाना। खा भी कैसे सकती हो, अपने हाथों से जहर जो मिलाया है। कमबख्त सपेरा तो कह रहा था इस जहर को थोड़ा सा भी कोई खा लेगा ना तुरंत मर जाएगा, इन्हें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बुआ साहब बहुत अच्छा था, और बनाइएगा तो मुझे जरूर दीजिएगा।
ठीक है, दे देंगे। अब जाके आराम करो, स्कूल से आए हो, थक गई होगी। जा। इसे भी कुछ नहीं हुआ, उसे भी कुछ नहीं हुआ। समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। सरोज बेटा, ये हलवा खा लो। नहीं नहीं बुआ साहब, हमसे तो यही खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं अमृता कैसे खा गई। लड्डू में जहर था, एक जहरीले नाक का जहर। अगर वो थोड़ा सा भी खा लेती तो भगवान भी उन्हें नहीं बचा पाता। क्यों मारना चाहती है पुआ जी उन्हें? कर लेने दो अपनी सारी कोशिशें, पर मेरे होते हुए मैं पुआ जी को उनके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। उनके हर बार के सामने मैं ढाल बन के खड़ी हो जाऊंगी। अब संभल कर रहना पुआ जी, मैं आपके इरादे जान चुकी हूँ। एक बार फिर आपकी कोशिश बेकार हो गई। हमें तो लगता है कि आपको शिकस्त खाने की आदत ही पड़ गई है। अब मेरे जले पे नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अपनी आंखों के सामने सबसे जहरीले नस्ल के सांप का जहर निकलवा के लाई थी मैं। हमें सांप के नस्ल पर शक नहीं है, हमें तो आपकी अकल पर शक है। हाँ, अकल तो हमारी उसी दिन मारी गई थी जब आपसे शादी की थी। हाँ हाँ ठीक है, अब मुद्दे पर सोचना शुरू करो। अरे क्या सोचूं, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है जी। लेकिन कोई ना कोई तरकीब तो होगी, इसी पर हमें सोचना है। अरे सरोज के आने वाले बच्चे को अपने रास्ते से हटाने के लिए और क्या तरकीब हो सकती है? लगता है अभी तक परेशान है। हमने सोचा था इस साल बच्चों को चैंपियन स्कूल से निकाल के शहर के सबसे बड़े विब्योर इंटरनेशनल में डाल देंगे, लेकिन तो प्रॉब्लम क्या? एडमिशन की डेट निकल चुकी है। एडमिशन जरूर हो जाएगा, लेकिन कैसे? कहाँ ना हो जाएगा, आज के बाद आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। नामुमकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम नागलोक की इच्छा धरी नागिन, त्रिवेणी किसकी बेटी भी है, तुम्हारी बेटी जिंदा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे कश्मकश में डाल दिया है भोले शंकर। हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हमारा दिल कह रहा है भुजंग जो कह रहा है वो झूठ है। हम तो यही जानते हैं कि हमारी बेटी मर चुकी है, पर अगर अगर वो जिंदा हुई तो हमें भुजंग से मिलना ही होगा। हम भुजंग से जरूर मिलेंगे। आखिर वक्त आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। तुम्हें नहीं पता बेटे कि त्रिवेणी से मिलने के लिए मैं कितना बेताब हूं। पिताजी आपको क्या लगता है वो आएगी? अगर वो नागिन होती तो शायद नहीं आती, लेकिन इंसानों के बीच रहते रहते वो भी इंसान हो गई है। आज उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी के बारे में जानना। उसकी बेटी का मोह उसे यहां खींच कर ले आएगा, इस उम्मीद से यहां आने के बाद उसकी बेटी यहां मिल जाएगी। पर उसे पता नहीं कि उसे बेटी से मिलने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। Thank you.
आओ त्रिवेणी, मैं तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरी बेटी का प्यार तुम्हें यहाँ खींची लाया? मैं यहाँ अपनी बेटी के बारे में जानने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये झूठ है, वो मर चुकी है। सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना, वरना मैं लो, मैं एक माँ को उसकी बेटी से मिलवाना चाहता हूँ और तुम मुझे धमकियां दे रही हो। मैं अपनी बेटी की मौत के दर्द को भुला चुकी हूँ भुजंग, उन जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत करो। न जाने तुम मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रही। तुम्हारी बात का विश्वास करूं? मैं भूली नहीं हूँ भुजंग, जब मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेने इंसानों की दुनिया में गई थी, तभी किसी ने मेरी बच्ची को चुरा लिया और बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई है, और फिर मैं इंसानों की दुनिया में वापस लौट गई। यही तो गलती की तुमने त्रिवेणी, मैं भला तुम्हारी बेटी कैसे बने देता, वो जिंदा है और एक ऐसी इच्छाधारी नागिन है जिसमें नागलोक को दर्द होगा, उसमें यकीन नहीं न सही पर अपनी आंखों पर यकीन होगा। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। तुम्हारी बेटी की गर्दन पे यही पीला निशान था ना? हाँ। ये बच्ची अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है त्रिवेणी। मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो भुजंग, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे ना क्षतियोत्र के 11 मंत्र चाहिए त्रिवेणी। नाग क्षतियोत्र? नहीं नहीं, वो मंत्र मैं तुम जैसे शैतान को नहीं दे सकती।